हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट रेसिपीज वीडियो आपको मिलती रहे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस। मिल्क पैन के अंदर में, उसके बाद में उसको हम स्लो फ्लेम पे चला देंगे गर्म होने के लिए। उसके बाद हम उस ऐड करेंगे लौंग और उसके बाद ऐड करेंगे तेज़पत्ता। तेज़पत्ता ऐड करने के बाद हम लोग बेसिकली लोग क्या करते हैं कि अनियन के ऊपर में बेलीव लपेट के उसके अंदर लौंग फंसा के जब डालते हैं, बट हम लोग काट के डालें ताकि अच्छा फ्लेवर छोड़े प्याज अपना, तो इसलिए हम प्याज डालेंगे काट के। इसके अंदर में प्याज डालेंगे और इसको हम लोग थोड़ी तेज करके फ्लेम को, उसके बाद विस्क लेके चलाएंगे कंटिन्यू ताकि नीचे लगे ना मिल्क। और हम इस प्रोसेस को जब तक करेंगे तब तक हमारा दूध खोल ना जाए प्रॉपर तरीके से। और रेसिपी को लेकर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे रजा ऑन ड्यूटी के नाम से आप वहाँ फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर तरीके से रेसिपी चाहिए तो रेसिपी। काफ़ी लोग इसके अंदर में जायफल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेट करके डालते हैं, घिस के डालते हैं और काली मिर्च साबुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम होममेड स्टाइल में बना रहे हैं ताकि रेसिपी को ज़्यादा लंबी ना खींच सके और आपको भी इजी रहे, आपको घर पे बनाने के लिए आसानी से और हमें भी प्रॉपर तरीके से ईजी रहे ताकि आपको समझ में आए। काफ़ी लोग क्या करते हैं इसके अंदर में फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं या आप डब्बे का मिल्क यूज़ करते हैं, डब्बे वाला जो आता है। आप टोंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप टोंड से नहीं बनेंगे, आप टोंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर में। गाइस वीडियो को पूरा देखें स्किप किए बिना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि व्हाइट सॉस कैसे बनानी है, तो जल जाती। अब हमारा दूध खोल चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे रू। गाइस अगर आपको रू की रेसिपी चाहिए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो हम रू ऐड कर देंगे उसको हम विस्क से चलाते रहेंगे कंटिन्यू ताकि ये नीचे लगे ना। अगर ये गाइस लग गई ना सॉस तो आपको ये सॉस ख़राब हो जाएगी क्योंकि इसमें से स्मेल आने लग जाएगी अजीब सी। सो आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें स्पीड में और रू ऐड करते रहें ताकि ये जब तक थिक ना हो जाए। जब ये थिक हो जाती है प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलाते हैं, अपने हिसाब से इसके थिकनेस सेट कर सकते हैं। आपको जितनी थिकी चाहिए या स्मूथ चाहिए, जैसी भी चाहिए आपको सॉस, आप उस हिसाब से उसके अंदर रू ऐड करें। ज़्यादा रू ऐड ना करें ताकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। अगर ज़्यादा रू ऐड करो तो आप रू डालें और चलाते रहें और फ्लेम को स्लो फ्लेम पे इसको पकाते रहें अच्छी तरीके से ताकि ये गाढ़ी होती रहे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से एक खोल आ जाएगा। खोल आने के बाद में आप गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में बट इसको चलाते रहना ताकि कंटिन्यू ताकि नीचे से लगे ना। उसके बाद में आप एक छन्नी लेंगे और एक बर्तन ले लेना और उसके अंदर में हम अपनी सॉस को प्रॉपर तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद में अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर में बटर ऐड कर सकते हैं एज यू विश। अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर टू माई वीडियो। Thank you so much.